Today we are going to start our new topic, which is based on the physical and chemical properties of drug molecules. Whenever we synthesize a chemical compound, which is a drug molecule, we are more interested how it behaves physically. क्योंकि जब तक हमें किसी ड्रग की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम होंगी, उस वक्त तक ना तो हम उसकी फॉर्मूलेशन में उसको डेवलप कर सकते हैं, ना ही हमें ये पता होगा कि बॉडी में जाके वो किस तरह से एब्जॉर्ब होगी, किस तरह से मेटाबोलाइज होगी, किस तरह से बॉडी से एलिमिनेट होगी, या बॉडी में किस तरह की उसकी प्रोफाइलिंग होगी, कैसे वो अपना फार्मास्यूटिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगी, या उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट है तो वो किस तरह से प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जो किसकी वजह से होती हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जो कि उसका फंक्शनल ग्रुप होता है. ठीक है, फॉर टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द पीएच वैल्यूज़ ऑफ ड्रग्स. हमें ये मालूम होना चाहिए कि पीएच किस तरह से ड्रग्स की स्टेबिलिटी को या उनकी बॉडी में मूवमेंट को अफेक्ट करती है. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो है कि पीएच एग्जैक्टली होती क्या है. आई एम श्योर कि आपको पीएच के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इट इज़ बेसिकली रेलेवेंट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस. इसकी अगर आप सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो आपके पास पीएच की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जितनी ज़्यादा किसी कंपाउंड की होगी, उतनी ही उसकी पीएच लेस होगी. ठीक है, पीएच का हमारे पास जो स्केल होता है, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 14. जो लेस देन 7 पीएच होती है उसको हम एसिडिक पीएच कंसिडर करते हैं, और मोर देन 7 को हम कंसिडर करते हैं बेसिक पीएच. ठीक है, या अल्कलाइन पीएच. सो द फर्स्ट थिंग के हमारे पास अगर जब हम पीएच की बात करते हैं, इट मींस दैट या तो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, या हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा, या हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. ठीक है, न्यूट्रल की इस वक्त हम बात नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. जब हम एसिडिक और बेसिक की बात करते हैं, अगेन उसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक सॉल्यूशंस. स्ट्रॉन्ग अगर हमारे पास एसिड और बेस हैं, उसकी कैलकुलेशन डिफरेंटली होती है, और वीक एसिड और बेस हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से करते हैं. नाउ वन थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वीक एसिड और बेस इन नेचर मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, और हम जिन रिएजेंट्स को उनके एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, तो हमें उन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, विच इज़ वाटर, कि वाटर किस तरह से बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ पीएच. सो द फर्स्ट थिंग इज डिसोसिएशन ऑफ वाटर. वाटर जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो वो एक एच आयन और एक ओ एच आयन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, वाटर की डिसोसिएशन के बाद अगर आप उसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना चाहें, क्योंकि बेसिकली वी नो दैट के जो वाटर की डिसोसिएशन है या किसी भी कंपाउंड की डिसोसिएशन, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी चलता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड रिएक्शन, मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ डिसोसिएट्स. ठीक है, यहाँ पे जो वाटर से उसके आयंस बन रहे हैं उसकी बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, the dissociation constant is represented by Ka, और अगर आप वाटर की डिसोसिएशन की बात करें या किसी भी एक्स वाई जेड कंपाउंड की डिसोसिएशन की बात करें, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपके पास क्या है कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास न्यूमरेटर में आएगी, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपकी डिनोमिनेटर में आएगी. ठीक है, इसको अगर हम सिम्बॉलिकली लिखें तो कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको सिंपली हमने सिंबल्स में चेंज किया है. ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट्स और स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, उसके बाद वाटर हमारे पास डिसोसिएट हुआ, विच इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. दोनों तरफ एरो से हमें ये पता चल रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एच आयन प्लस ओ एच आयन प्रोड्यूस हुए. ठीक है, अच्छा,
अब जो अगर हम क्योंकि वाटर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सॉल्वेंट है, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हमने डिफरेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम किसी भी कंपाउंड का बात कर रहे हैं तो वो Ka होगा, और अगर हम पर्टिकुलरली वाटर की बात कर रहे हैं इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Kw, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बने हैं इसके अंदर, एच आयन और ओ एच आयन, उसकी कंसेंट्रेशन ऊपर आ गई आपके पास, और रिएक्टेंट आपके पास क्या था, वाटर था, उसकी कंसेंट्रेशन आपके पास नीचे आ गई। वी नो एक्सपेरिमेंटली दैट Kw इज इक्वल टू 10^-14, ठीक है। अब इस इक्वेशन की बेसिस पे, अच्छा अब हमारे पास ये जो वाटर की वैल्यू है, इट डजेंट चेंज मच। जब वाटर डिसोसिएट होता है बिकॉज इट्स अ वीक एसिड, तो वाटर की डिसोसिएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 मोल वाटर है, तो उसमें से बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेस इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड ओ एच आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो जो वाटर की कंसेंट्रेशन है बिकॉज इट रिमेन्स अनचेंज, तो आप इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट फॉर्मूला में इसको वाटर की कंसेंट्रेशन को यहाँ से ओमिट कर दिया है, ठीक है। तो के डब्ल्यू बिकम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एच आइन कंसेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आइन कंसेंट्रेशन, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 10^-14। ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गई है, जिसकी बेसिस पे आप अगर आपके पास कोई अल्कलाइन सोल्यूशन होता है तो आप उसकी पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये हम अभी फर्दर न्यूमेरिकल्स में इसको देखेंगे। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाई के डब्ल्यू एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एच आइन कंसेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आइन कंसेंट्रेशन, एंड इट इज द न्यूमेरिकली इट इज कैलकुलेटेड एज 10^-14। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस अपने सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम्प्लीटली एच आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बेस विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डिजोल्व होने के बाद कम्प्लीटली सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो उसमें जो भी एच आयन कंसेंट्रेशन होती है वो रेलिवेंट होती है एसिड या बेस की अपनी मोलैरिटी से, ठीक है। इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। 0.05 मोलर अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डिसोसिएट होगा इट विल डिसोसिएट इनटू एच आयन एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। अच्छा, एच आयन और क्लोराइड आयन में ब्रेक डाउन होने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन है, एंड वी कैन सी दैट इफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स इट प्रोड्यूसेस 1 मोल एच आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन में यहाँ पे नंबर होता है, जो कांस्टेंट फिगर होता है, दैट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स दैट एच आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि दोनों का मोल रेशियो सेम है। सो इफ देयर इज 0.05 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट, इट विल प्रोड्यूस 0.05 मोलर एच आयन। और पीएच का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसेंट्रेशन, आप इसका नेगेटिव लॉग फाइंड आउट करेंगे। होल्ड ऑन, ओके आई विल प्रेफर कि आप लोग अपने पास जो रेगुलर कैलकुलेटर है उसी को यूज़ करें, बट मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। सो इफ वी हैव 0.05 मोलर और उसका हमें लॉग निकालना है, तो इसका लॉग हमारे पास आ जाएगा -1.3, ठीक है। और जो हमारे पास जो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी हैव द पीएच 1.3। सो बेसिकली हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो हमें पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एच आयन कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी होगी,
और उसके बाद हम उसकी बेसिस पे उसकी पीएच फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ बेस, इसकी पीएच डेफिनेटली 7 से हमारे पास ज़्यादा आएगी। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा सोडियम आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। ठीक है, वी कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन अगेन द मोल रेशियोज आर सेम। इफ 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट्स इट प्रोड्यूसेस 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन। सो द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विल बी इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एंड वी हैव 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 0.05 मोलर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन से जो वैल्यू आई है वो आई है किसकी, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन की। वी आर इंटरेस्टेड इन द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ वाटर में एक रिलेशनशिप देखी थी कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आइन कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ओ एच आइन कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10^-14। उस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए वी कैन कैलकुलेट द एच आइन कंसेंट्रेशन फ्रॉम ओ एच आइन कंसेंट्रेशन। ओके, तो 10^-14 डिवाइड बाई 0.05 दैट गिव्स अस 2 × 10^-13 मोलर। ठीक है, यानी कि एच आइन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितनी है, 2 × 10^-13। इसको हम इक्वेशन में प्लेस करेंगे, पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच आइन कंसेंट्रेशन दैट गिव्स यू 12.7। इसको आप यहाँ पे देख भी लें कि ओके, तो इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं, इसको हम इस तरह से कैलकुलेटर में इनपुट करेंगे, 2 / 10^13 एंड द लॉग। ठीक है, तो लॉग ऑफ 2 × 10^-13 इज फाउंड टू बी 12.7 और 12.6 -12.69 माइनस माइनस साइन आपके पास कैंसिल हो जाएगा, दैट गिव्स यू पीएच इज इक्वल टू 12.7। ठीक है, अच्छा अभी तक जो अभी आपने कैलकुलेशन देखी है वो देखी है आपने स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, इन दोनों में हमारे पास जो मोल रेशियोज थे वो 1:1 के थे। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सम एसिड विच हैज अ डिफरेंट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 0.05 मोलर H2SO4, तो H2SO4 जब डिसोसिएट होता है इट प्रोड्यूसेस 2 H आयन्स एंड 1 सल्फेट आयन। ठीक है, विच विल मीन कि जो एच आयन कंसेंट्रेशन है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4। ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल H2SO4 है इट विल प्रोड्यूस 2 मोल हाइड्रोजन आयन्स। ठीक है, सो इफ यू हैव 0.05 मोलर H2SO4 इट विल प्रोड्यूस 2 × 0.05 विच इज इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक है, पीएच हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन आ गई, हम उसको पीएच के फॉर्मूले में प्लेस करेंगे, वी हैव पीएच इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो नाउ यू नो कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसमें सबसे पहले जो आपको लिखना होगा वो आपको उसका डिसोसिएशन इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि कितने मोल ऑफ एसिड और बेस विल प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इफ़ यू हैव हाइड्रोजन आयन आप सिंपली हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको पीएच के फॉर्मूले में प्लेस कर देंगे। एंड इफ यू हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम द इक्वेशन, तो आप पहले के डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज करते हुए इस वाले फॉर्मूले को आप यूज करेंगे और उसकी बेसिस पे आप एच आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, व्हाट डू वी डू इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली ड्रग्स हैं वो किस तरह की होती हैं, वीक एसिड या वीक बेस होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे
वीक एसिड या वीक बेस की कैलकुलेशन के लिए क्या है, अगर हमारे पास एक वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल एच ए, इट डिसोसिएट्स इनटू एच आयन एंड अ नेगेटिव आयन ए. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वीक एसिड्स, फॉर एग्जांपल वी हैव अ वीक एसिड एच ए व्हिच डिसोसिएट्स इनटू ए नेगेटिव आयन ए एंड पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आप किस तरह से लिखेंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, के डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. अच्छा, अब अगर आपके पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, ठीक है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड मींस के आपके पास जब एसिटिक एसिड को आप डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, इट विल डिसोसिएट इनटू ए एंड एच आयन, बट कंप्लीटली डिसोसिएट वो नहीं होगा. ठीक है, तो कितना डिसोसिएट होगा, जस्ट लाइक वाटर, के हमने वाटर में देखा था कि डिसोसिएशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वॉज सो लो के कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिड नॉट चेंज, सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिड नॉट चेंज मच. ठीक है, तो अगर हमारे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्रेजेंट था, तो उससे हमारे पास एक्स नंबर ऑफ एसिटेट आयन बने एंड एक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बने. दोनों को हमने एक्स क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि दोनों का मोल रेशियो 1 है. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 या 3 होता, तो हम यहाँ पे 3x लिखते और उसी की बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन करते. ठीक है. अच्छा, नाउ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड में से एक्स नंबर एसिटेट ने प्रोड्यूस किया है एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन. ठीक है, बट वी डू नॉट नो कि कितना जो है वो एक्स था. ठीक है, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, हम एक्स की वैल्यू नहीं मालूम, बट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट, हमें मालूम है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10^-5. ये हमें कहाँ से पता चली, जिस तरह से हमें वाटर की का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने 10^-14 एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया था, जस्ट लाइक दैट वी हैव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ ऑल वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो आपको के ए की वैल्यू फाइंड आउट आपने की थी, उसको आप फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिसोसिएशन इक्वेशन, के ए इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 1.75 के ए की वैल्यू हमने प्लेस की इस फॉर्मूले में, एसिटेट आयन की जगह एक्स लिखा, एच आयन की जगह भी एक्स लिखा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर, और एसिटिक एसिड की आपके पास क्या कंसेंट्रेशन है, 0.1 - x. वाई 0.1 - x, क्योंकि 0.1 आपके पास ओरिजिनली प्रेजेंट था और एक्स जो है उस वो चेंज हुआ है आयन्स में. ठीक है. अच्छा, अब जो आयन्स में आपके पास वैल्यू चेंज हुई है, दैट इज वेरी स्मॉल वैल्यू. वाई दैट वैल्यू इज स्मॉल, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस बहुत ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होते. ठीक है, तो हम इस एक्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो क्या आई, के 1.75 इंटू 10^-5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10^-5. उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे ताकि आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाए. अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के इक्वल है. तो एक्स की वैल्यू से आपको हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन मिल गई. इस हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को आपने पीएच के फॉर्मूला में प्लेस किया, विच इज पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच विल गिव यू दैट पीएच इज इक्वल टू 2.9. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास अगर आप उसको कंपेयर करें 0.1 मोलर HCl से, तो उसकी पीएच आपके पास होती है 1, और 0.1 मोलर आपने अगर एसिटिक एसिड लिया है, तो उसकी पीएच आपके पास 2.9. जितनी जितनी पीएच आपकी बढ़ती जा रही है, इट मींस कि आपका सॉल्यूशन लेस एसिडिक होता जा रहा है. ठीक है, क्योंकि पीएच आपकी जितनी कम होगी, उतनी ही आपकी एसिडिटी ज़्यादा होगी. क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसी तरह से अगर हमें बेस की कैलकुलेट करनी हो पीएच, तो वो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे,
जिस तरह से आपको एसिड के लिए के ए की वैल्यू गिवन होती है इन टर्म्स ऑफ बेस, यू हैव द वैल्यू ऑफ के बी। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, तो 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनिया जब डिसोसिएट होगा इट विल प्रोड्यूस अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिलाइन। ठीक है, जब आप इसका डिसोसिएशन इक्वेशन लिखेंगे तो डिसोसिएशन इक्वेशन में ऑल्दो यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट में वाटर भी है, बट वाटर आपके पास क्योंकि रिकवर हो जाता है तो आप उसको एज ए रिएक्टेंट काउंट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ अमोनिया की ही कंसेंट्रेशन मेंशन करेंगे। जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल, हम ने के बी की इक्वेशन लिखी, अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। के बी की वैल्यू आपने प्लेस की इसमें, विच इज़ अ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ अ बेस, और जितनी भी इक्वेशन से आपके पास वैल्यूज आई थी वो आपने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अगेन बिकॉज अमोनिया इज अ वीक बेस इट विल डिसोसिएट क्वाइट लेस, इतना स्मॉल अमाउंट है कि आप इस एक्स को डिसरिगार्ड कर सकते हैं और इसको ओमिट कर सकते हैं फॉर्मूला में से। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी इट विल बिकम एज कि एक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द हाइड्रोक्सिलाइन कंसेंट्रेशन, वी नो इट फ्रॉम हियर, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1.8 × 10⁻⁶ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो आपके पास 0.0013 आ गया। अच्छा, अब नाउ यू हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन। हाइड्रोक्सिलाइन की कंसेंट्रेशन से जैसा से आपने प्रीवियसली के डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज करके एच आयन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, जस्ट लाइक दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच आयन, और एच आयन की कंसेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप उससे पीएच की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप जब हमें वीक एसिड या वीक बेस गिवन होता है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डिसोसिएशन इक्वेशन, देन यू हैव टू राइट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इक्वेशन, कि डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की इक्वेशन आप किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास वीक एसिड है तो आप एच आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको पीएच के फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे, और अगर आपके पास वीक बेस है तो आप हाइड्रोक्सिलाइन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में के डब्ल्यू का फॉर्मूला यूज करके आप हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, देन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास एग्जाम्पल में जो दिए हुए क्वेश्चंस सेल्फ टेस्ट 2.2 में, उसको मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल वी कैन डिस्कस इट इन द इंटरेक्टिव सेशन, और वंस यू आर फेमिलियर विद दिस टॉपिक तो मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी। ठीक है, सो मेक श्योर ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो सेल्फ टेस्ट 2 में अगर हम देखें, इफ यू हैव 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, उसका के ए का फॉर्मूला है 1.7, सॉरी के ए की वैल्यू है 1.77 × 10⁻⁴। फॉर्मिक एसिड कि जब आप इक्वेशन लिखते हैं फॉर्मिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू एच आयन एंड फॉर्मेट आयन, अगर आप इक्वेशन को देखें तो अगेन जिस तरह से पहले आपने लिखा था, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फॉर्मिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एच आयन एंड CaOH, सॉरी फॉर्मेट आयन, तो एच आयन और फॉर्मेट आयन को हम एक्स के लिए कंसिडर कर लेंगे, और फॉर्मिक एसिड की जो कंसेंट्रेशन चेंज होगी इट विल बी 0.1 - x। जब इन वैल्यूज़ को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की इक्वेशन में प्लेस करेंगे फॉर्मूला में, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, एच आयन और फॉर्मेट आयन, विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास फॉर्मिक एसिड की क्या वैल्यू आ रही है, 0.1 - x, जो कि आपने यहाँ पे लिख ली, ये आपके पास ऑलरेडी के ए आपको गिवन था वो आपने यहाँ पे फॉर्मूला में प्लेस कर दिया। ठीक है, अगेन बिकॉज इट्स अ वीक एसिड तो इसकी जो एक्स की वैल्यू है इट्स सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड, और इसको आप फॉर्मूले में से ओमिट कर देंगे। ठीक है, द फॉर्मूला बिकम्स 1.77 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 0.1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस पूरी वैल्यू को आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। You have the value of x is equal to 4.21
मल्टीप्लाई बाय 10^-3। ठीक है, वी नो दैट कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के। सो नाउ वी हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको आप पीएच के फॉर्मूला में प्लेस करेंगे, विच विल गिव यू द पीएच इज इक्वल टू 2.37। ठीक है, हमारे पास जितने भी वीक एसिड या वीक बेसिस हो सॉरी वीक एसिड्स होंगे उसकी पीएच मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से ज्यादा ही आती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 0.05 मोलर फिनोल। फिनोल का आपके पास के ए आपको गिवन है 1.3 × 10^-10। फिनोल जब डिसोसिएट होता है इट प्रोड्यूस 1 H आयन। ठीक है, और इसको जब आप सॉरी इसका जब आप डिसोसिएशन इक्वेशन लिखेंगे इट टेल्स यू कि अगेन मोल रेशियोज इसके सब सेम हैं। सो जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों एक्स और एक्स बनेंगे, और यहाँ पे जो आपके पास रिएक्टेंट है उसकी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन में से एक्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लिख भी लिया। उसके बाद आपने इन वैल्यूज को प्लेस करेंगे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की इक्वेशन में। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज 1.3 × 10^-10। रिएक्टेंट्स आपके सॉरी प्रोडक्ट्स आपके पास एक्स एंड एक्स थे, मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में आपके पास 0.05 माइनस एक्स आ गया। अगेन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी वेरी स्मॉल बिकॉज इट्स अ वीक एसिड। इसको आपने मल्टीप्लाई किया और जस्ट लाइक द प्रीवियस वन आपने एच आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट की और उसकी बेसिस पे आपने पी एच फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसमें आपको बेस गिवन है। ठीक है, 0.15 मोलर इथाइल अमाइन आपके पास प्रेजेंट है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है 5.6 × 10^-4। अगेन सबसे पहले आपने डिसोसिएशन इक्वेशन लिखी जिसमें वाटर इन्वॉल्व है बट वाटर को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स विल बी प्रोड्यूस एज एक्स एंड एक्स क्योंकि दोनों सबका मोल रेशियो सेम है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1:1 का रेशियो आ रहा है, तो आपने यहाँ पे इन वैल्यूज को रिप्लेस किया जस्ट लाइक द प्रीवियस वंस, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अच्छा, इससे पहले जो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे वो सब की सब रिप्रेजेंट कर रही थी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को, बट नाउ वी हैव एक्स इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। हमें पीएच के लिए एच आयन कंसेंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, सो वी आर नाउ गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू एच आयन कंसेंट्रेशन यूजिंग द केडब्ल्यू फार्मूला। एच आयन इज इक्वल टू 10^-14 डिवाइड बाय ओ एच आयन कंसेंट्रेशन, उससे आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन आ गई। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू प्लेस इट इन द पीएच इक्वेशन, और पीएच के फॉर्मूले में इनपुट करने के बाद यू हैव द वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू 11.96। ठीक है, यहाँ पे आपके सेल्फ टेस्ट 1 और 2 कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और इसके फॉर्मूला की प्रैक्टिस कर सॉरी इसके न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पी के ए वैल्यूज एंड हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन इंशाल्लाह ताला। सो इसको अब मैं थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर देती हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा सिंपली आप उससे क्या कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप उसकी इक्वेशन लिखेंगे डिसोसिएशन इक्वेशन, उसकी बेसिस पे आप अगर एसिड है तो एच आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे और अगर बेस है तो ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इफ़ यू हैव द ओ एच आयन कंसेंट्रेशन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एच आयन कंसेंट्रेशन इन द नेक्स्ट स्टेप। वंस यू हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ एच आयन यू आर गोइंग टू प्लेस इट इन द पी एच फॉर्मूला और उससे आपके पास सोल्यूशन की पी एच आ जाएगी। ये कब होगा जब आप बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की या स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, जब आप वीक एसिड या वीक बेस की बात करेंगे तो वीक एसिड या वीक बेस में अगेन हमें करना यही है कि हमें एच आयन की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन एच आयन की कंसेंट्रेशन थोड़ी सी ट्रिकी होगी बिकॉज नॉट ऑल ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस इज गोइंग टू डिसोसिएट। ठीक है, तो वो कितना डिसोसिएट हो रहा है और उसमें कितने आपके पास नंबर ऑफ एच आयंस बन रहे हैं उसको आप कैलकुलेट करेंगे थ्रू दीज स्टेप्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। प्रैक्टिस के जो सॉरी
जो आपकी बुक में आपको क्वेश्चंस गिवन थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं. नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सो बी प्रिपेयर्ड कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. और न्यूमेरिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास जो ये वाला कोर्स है इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, सो जितनी ज़्यादा आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कन्फ्यूजन कम होगी. एक साथ अगर आप सब चीज़ें करने के लिए बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है. तो ट्राई ये करना है आपने कि हर लेक्चर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपने सेपरेटली ही करनी है, ठीक है. साथ साथ करेंगे तो आपको भी मुश्किल नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला पेपर में भी अच्छा स्कोर करेंगे. थैंक यू क्लास.